हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ उदाहरण सीखने वाले हैं, ठीक है। और यह पार्ट नंबर कौन सा चलेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यह पार्ट नंबर 24 होगा। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 23 तक पढ़ा दिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपके जो टेंस होता है, 12 टेंस होते हैं, एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, हाँ, हेडिंग मैंने लगाया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे साधारण वाक्य के कुछ उदाहरण, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, एक बार लिख देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है कर्ता धन सहायक क्रिया इज आर, और क्या होता है, एम होता है, ठीक है। इज आर एम, कर्ता धन सहायक क्रिया, इसके बाद क्या होता है, धन मुख्य क्रिया, धन मुख्य क्रिया, धन आई एन जी, धन कर्म, धन कर्म प्लस अन्य बातें, अन्य बातें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है, अर्थात सूत्र होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया आई एन जी कर्म अन्य बातें। जैसा कि आप सभी जानते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है, ठीक है, आदि शब्द लगा रहता है, और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज आर एम होती है, और मुख्य क्रिया के अंत में आई एन जी जोड़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो ये फार्मूला, इसे आपको रट्टा लगा लेना भाई, रट्टा। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद मुख्य क्रिया, फिर आई एन जी कर्म, इसके बाद अन्य बातें, ठीक है। तो उदाहरण नंबर पहला लेते हैं, उदाहरण नंबर पहला, ठीक है। मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका क्या बनेगा, ध्यान से आपके देखना, मैं आम खा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पता करना है कर्ता क्या है, कौन आम खा रहा है, कौन का प्रश्न करने से जो उत्तर में आता है वही कर्ता कहलाता है। तो मैं के अंग्रेजी लिखेंगे भाई, सबसे पहले कर्ता मिल गया मैं, इसके बाद सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, इज लगेगी कि यार कि एम, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने बताया था जब कर्ता आई होगा तो उसके लिए सदैव हम सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई एम क्या लिखेंगे, आई एम खा रहा, खाना है, ठीक है, ईटिंग होता है, ईट माने क्या होता है, खाना, लेकिन मुख्य क्रिया में आई एन जी जोड़ेंगे तो ईटिंग हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ईटिंग, मैं आम खा रहा हूँ, ईटिंग मैंगोज, आई एम ईटिंग मैंगोज, एम ए एन जी ओ, मैंगो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग मैंगोज, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब लेते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, दूसरा, उदाहरण नंबर दूसरा, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पता करना होगा कर्ता क्या है, तो कर्ता इसमें क्या आपके दिख रहा है, हम, कौन क्रिकेट खेल रहा है, सबसे पहले आपके प्रश्न करना है कौन क्रिकेट खेल रहा है, हम, उत्तर में क्या रहा, हम, तो इसका क्या बनेगा अंग्रेजी, वी, वी माने हम, ठीक है, वी, इसके पास सहायक क्रिया इज आर एम, किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर जो करता है वह बहुवचन है, वी आर, इसके बाद मुख्य क्रिया खेलना, प्ले माने क्या होता है, खेलना, ठीक है। तो वी आर प्ले, लेकिन आई एन जी जोड़ेंगे तो आई एन जी लगा देते हैं, प्ले हो गया,
प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, सी आर आई सी के टी, ऐसे नोट कर सकते हैं आप, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका अंग्रेजी बनेगा वी आर प्लेइंग क्रिकेट, क्लियर हुआ, इसे नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर तीसरा बताते हैं, हरे नाक दरे की दार ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम इतनी सुंदर हो। हाँ तो उदाहरण नंबर लेते हैं दूसरा, ठीक है, तीसरा सॉरी, उदाहरण नंबर कौन सा लेते हैं, तीसरा, तुम अपना कार्य कर रहे हो, तुम अपना कार्य कर रहे हो, ठीक है, तो इस वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तुम अपना कार्य कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने को पता करना होगा कर्ता क्या है, तो भाई इस वाक्य में आपके कर्ता कैसे पता चलेगा, कौन का प्रश्न करिए, कौन का प्रश्न करने से जो उत्तर में आता है वही कर्ता कहलाता है, ठीक है, तो कौन अपना कार्य कर रहा है, तुम, तो सबसे पहले कर्ता का नंबर यू लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया, तो मेरे पास तीन सहायक क्रिया है, इज आर एम, तो कर्ता या क्या बहुवचन है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, यू आर, इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, करना, डू माने क्या होता है, करना, लेकिन इसमें आई एन जी जोड़ेंगे, देखा होगा डूइंग क्या हो जाएगा, डूइंग, यू आर डूइंग, अपना कार्य है, तो अपना के लिए जो अंग्रेजी होती है कर्ता के अनुसार लिखी जाती है, तो यहाँ पर यू है, तो यू का अपना का अंग्रेजी योर होता है, ठीक है, योर वर्क, योर वर्क, ठीक है, फुल स्टॉप, तो यू आर डूइंग योर वर्क, ठीक है ना। अब लेते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, चौथा, और आपके बताते हैं, वे गंगा जी में लिखेंगे, वे गंगा जी, वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ठीक है, वे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसको अंग्रेजी में अनुवाद बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ता ढूंढेंगे, तो कौन गंगा जी में स्नान कर रहा, वे, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, क्योंकि मुझे सबसे पहले कर्ता लिखना सूत्र में, कर्ता है, इसके बाद सहायक क्रिया का नंबर आता है, तो दो सहायक क्रिया होती है, इज आर एम, ठीक है, तो कर्ता बहुवचन होगा, तो हम कौन सा सहायक क्रिया लगाएंगे, आर, तो दे आर, क्या लिखेंगे, दे आर, और स्नान करना मुख्य क्रिया क्या है, ना आना, तो बेथ माने क्या होता है, बेथ, आई एन जी जोड़ेंगे, बेथिंग हो जाएगा, ठीक है, दे आर बेथिंग, और गंगा जी इन द गंगा, इन द गंगा, ठीक है, इन द गंगा, आई होप की बात समझ में आ गई होगी, अब ये गंगा जी में स्नान करें, इसकी अंग्रेजी बनेंगे दोस्तों, दे आर बेथिंग इन द गंगा, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।